बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटन स्टीम बनाएंगे। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमें, ये मटन है, मटन जो कि हमारे पास तकरीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हमने इस तरह बड़े बड़े पीसों में ले लिया है। तो इसके अलावा ये हमें 2 टेबल स्पून दही चाहिए, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और ये ऊपर जो है ये पपीता है, इसकी जगह पे आप कचरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये 2 टेबल स्पून लीमू का जूस है, ये 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको आप चॉप कर लें, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून चाट मसाला है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। तो चलो इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दही डालेंगे, बिस्मिल्लाह, लीमू का जूस डालेंगे, लहसुन अदरक और पपीते का पेस्ट भी डाल देंगे, और बाकी सारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ये भी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है, तो उस तकरीबन इसको हम जो है ना ओवरनाइट इसको रखेंगे, अच्छे रिजल्ट के लिए ओवरनाइट रखेंगे, ताकि इसका मसाले सारे गोश्त के अंदर चले जाएं। चले इसको अब मैरिनेट होने के लिए रखते हैं, तो मैरिनेट होता है तो फिर मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा गोश्त मैरिनेट हो गया है, तो तकरीबन इसको हमने फोर नाइट इसको मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, तो अब इसको हम रैप करते हैं। रैप करने के लिए आप इसमें पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ब्राउन पेपर भी। तो इसके लिए मैंने ये ब्राउन पेपर लिया है, और ये फॉइल ली है, फॉइल कितने से पीस की है, और ऐसे इसको पेपर के ऊपर रखा, और एक बोटी इस तरह पकड़ के पीस पकड़ेंगे, और इसको इसके अंदर रख के तो इस तरह रैप कर देंगे। इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल को अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल इसमें नहीं डालूंगी, तो आप इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं कोई भी। अच्छी तरह से इसको रैप करें ऐसे, तो इसी तरह बाकी भी कर लूँ फिर माता के पास। सारे पीसेस रैप हो गए, तो अब इसको हम देचके के अंदर पानी डाल के, तो इसके अंदर इसको स्टीम होने के लिए रखते हैं। ये देचके में पानी डाल दिया, और इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है, तो ये पानी इतना डालना है कि स्टैंड इसमें तकरीबन पूरा ना डिप हो। तो ये इसके ऊपर एक आप कोई भी जाली रख लें, तो ये देखें इसके ऊपर ऐसे जाली रख देंगे ताकि पानी इसके साथ टच ना करे, तो इसके ऊपर हम रख देंगे, ये पीसेस रख देंगे सारे। इसको पहले फुल फ्लेम पे हम बॉईल करेंगे पानी को, जब इसका पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर इसको हम तकरीबन 2 आवर्स के लिए इसको हम स्टीम देंगे। अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इसके लिए 20 मिनट ही काफ़ी होंगे। हमारा ये देखिए मटन बहुत मज़े का बना है, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, तो इसको आप ये देखिए अच्छी तरह से ये गल चुका हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालें, थोड़ा नींबू डालें, और इसको आप खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको एक दफ़ा ईद पर ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।